ये देखेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, एटम और आयंस, इनमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर की सहायता से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला टर्म होता है जिसको हम नाम देते हैं एटॉमिक नंबर करते हैं। अब इस एटॉमिक नंबर को हम जेड से इंडिकेट करते हैं। एटॉमिक नंबर को यह परिभाषित किया जाता है कि किसी भी एटम में प्रोटॉनों की जो संख्या होगी उसको उसका एटॉमिक नंबर कहेंगे। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। किसी भी प्रोटॉन में, किसी भी एटम में प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर कहेंगे। जैसे मान लो एज फॉर एग्जांपल, ये मान लो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर जेड का मान अगर 11 इलेवन दे रहा है, इसका मतलब हो गया कि सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? सो नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या 11 होगी। अगर मान लो ये कहते हैं कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, तो कैल्शियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 20 होगी। तो इस तरह से हम लोग एटॉमिक नंबर को डिफाइन भी कर सकते हैं, और अगर एटॉमिक नंबर मालूम हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बता सकते हैं। अब ये है कि ये जानते हैं कि एटम जो होंगे ये क्या होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं, और ये कहा जाता है कि जितना इलेक्ट्रॉन पर धन आवेश ऋण आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर क्या होगा, धन आवेश होगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होगा उतना ही प्रोटॉन पर धन आवेश होगा। नतीजा ये होता है कि एटम हमारे क्या होंगे, ये न्यूट्रल या उदासीन होंगे। तो एटम की स्थिति में ये होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ये बराबर किसके होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। अभी हमने ये कहा कि जैसे मान लो कैल्शियम है, कैल्शियम के लिए जेड एटॉमिक नंबर का मान 20 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, 20। चूंकि कैल्शियम हमारा एटम है, ये उदासीन होंगे, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, ये भी इसमें 20 ही रहेगा। और 20 प्रोटॉन पर जितना धन आवेश होता है, 20 इलेक्ट्रॉन पर उतना ऋण आवेश होता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और कैल्शियम या एटम हमारा क्या होगा, उदासीन होगा। लेकिन अगर हम ये चाहें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये कह दें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, तो ये गलत होगा। भले नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर को हम ये परिभाषित नहीं कर सकते कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। कारण ये होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, हम इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी भी कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग किसी भी एटम के साथ ये एटॉमिक नंबर या मास नंबर का इंडिकेशन करते हैं तो कभी भी उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कॉन्स्टेंट नहीं होती। हम अपने इच्छा अनुसार इसकी संख्या बढ़ा भी सकते हैं और इसकी संख्या क्या करेंगे, घटा भी सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना हो तो एटम के लिए ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा, लेकिन ये नहीं कर सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बराबर होंगे या ये कहो कि ये एटॉमिक नंबर कहलाएंगे, ये चीज सही नहीं होगा। अब एक दूसरा टर्म है जिसको नाम देते हैं क्या, ये देते हैं मास नंबर कहते हैं, और इस मास नंबर को हम ए से इंडिकेट करते हैं। जब एटम का कंस्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है तो सिंपली या ये कहिए कि सेक ऑफ सिंपलिसिटी साधारण चीज के लिए, या फिर ये कहिए कि लेमन लैंग्वेज में हम लोग ये मानते हैं कि मास जो होते हैं एटम के, इसके रिस्पॉन्सिबल क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अलग अलग एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी, लेकिन ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास नगण्य होता है, इसलिए हम इसके मास को कंसीडर नहीं करते।
होगा। तो ये हो जाएगा आपका मास नंबर। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या करते हो, ये करते हो एटॉमिक नंबर प्लस ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये बराबर हो जाएगा किसके, मास नंबर। इसमें से घटा दो किसको, एटॉमिक नंबर को घटा दो, ये इंडिकेट कर देगा क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। और इस तरह से हम लोग किसी भी न्यूट्रल एटम या एटम में अगर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दिया हो तो हम इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें एक मान्यता होता है और ये मान्यता होता है कि जैसे मान लो कोई एलिमेंट है और एलिमेंट का कुछ सिंबल होगा, मान लो हमारा कोई एलिमेंट है, इसका सिंबल मान लीजिए हम x से इंडिकेट करते हैं। अब बाई तरफ नीचे की ओर हम लिखते हैं क्या, ये दो पहले z लिखते हैं यानी एटॉमिक नंबर, और बाई ओर ऊपर की तरफ क्या लिखते हैं, a लिखते हैं, ये हो गया क्या एटॉमिक मास। जैसे मान लो एज फॉर एग्जांपल ये हम लिख दें सोडियम 11 23, इसका मतलब होगा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होगा और एटॉमिक मास कितना होगा 23। अब मान लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन काउंट करो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने के बराबर होगा, एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर कितना हो गया z। ये हमारा न्यूट्रल एटम है तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा इलेक्ट्रॉन होगा, तो अगर प्रोटॉन की संख्या z है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी z होगी। और अगर मान लो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काउंट करना है तो न्यूट्रॉन होता था कितने के बराबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर हो गया a, एटॉमिक नंबर हो गया z, तो a माइनस z ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को इंडिकेट करेगा। अब इसके केस में देख लीजिए, ये हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 11 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे कितना 23 माइनस 11, ये हो जाएगा आपका कितना 12। अब देखो z की जगह 11 था तो 11 प्रोटॉन हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए और न्यूट्रॉन की संख्या हो गई कितनी 23 माइनस 11, न्यूट्रॉन की संख्या हो गई कितनी 12। अब हम इस तरह से किसी भी एटम में अगर एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिया हो तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या कर सकते हैं, ये बतला सकते हैं। अब ये हमने कहा था कि एटम में जो न्यूक्लियस होते हैं इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करते हैं। तो किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में परिवर्तन के लिए आपको न्यूक्लियस तोड़ने की जरूरत पड़ेगी और ये चीज संभव नहीं होता। अब ये होगा कि किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी। अंतर क्या कर सकते हो इलेक्ट्रॉन में, हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हैं और किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर सकते हैं। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान थी तो एटम हमारा क्या था, उदासीन था, और जब इसकी संख्या में अंतर हो जाएगी तो एटम पर कोई ना कोई आवेश आ जाएगा, या तो पॉजिटिव आवेश आ जाए या फिर निगेटिव हो। जब पॉजिटिव आएगा तो ये कहा जाएगा कि हमारा केटायन, और जब निगेटिव आएगा तो इसको कहेंगे क्या एनायन, और उस स्थिति में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होगी। तो इस स्थिति में फिर केटायन और एनायन इसके केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या किस तरह से ज्ञात करेंगे, अब इसको पहले नोट डाउन कर दीजिए। संख्या में परिवर्तन करते हैं, सबसे पहले किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करते हैं या इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जैसे मान लो सपोज करो कोई एलिमेंट एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, हमने ये कहा था कि यदि हम इलेक्ट्रॉन की संख्या को कभी इंडिकेट नहीं करेंगे तो देखिए इसमें प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या
11। अब ये न्यूट्रल था तो 11 प्रोटॉन होंगे तो 11 इलेक्ट्रॉन हो। अब ये करते हो कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो देखो ये बताता है एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन को। अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो प्रोटॉन की संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो एटॉमिक नंबर हमारा क्या रहेगा, 11 ही रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, 10। तो अब 11 पॉजिटिव 11 निगेटिव एक दूसरे को क्या किया, बैलेंस कर दिया कि ये न्यूट्रल हो गए। अब इसमें देखो 11 पॉजिटिव और 10 निगेटिव, तो 10 निगेटिव 10 पॉजिटिव को कैंसिल आउट कर देगा, बच जाएगा एक पॉजिटिव जो इस पर एक्वियर हो जाएगा। तो ये जानते हैं कि अगर मान लो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो केटायन का निर्माण करता है, तो ये कह सकते हैं कि एटम लॉस इलेक्ट्रॉन तो ये क्या करेगा, फॉर्म्स केटायन, केटायन का निर्माण करेगा। और अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो एक पॉजिटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो दो पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी कह सकते हो कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय एन एटम। अगर मान लो केटायन पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो एटम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, दो पॉजिटिव चार्ज है तो दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तीन है तो तीन इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। और एक सिंपल ये भी देख सकते हो कि अगर मान लो नंबर ऑफ प्रोटॉन अधिक हो किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ये हो जाएगा आयन पे चार्ज हो जाएगा क्या, पॉजिटिव, और ये कहलाएंगे क्या, केटायन। अब मान लीजिए हम इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं इन केस ऑफ केटायन। अब देखो इन केस ऑफ केटायन क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में तो चलो कोई परिवर्तन नहीं है। अब देखिए ये करेंगे क्या, ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर, ये बताएगा टोटल प्रोटॉन की संख्या को, जितना लॉस करेगा उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एटॉमिक नंबर में से घटा देते हैं क्या, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन, केटायन पर पॉजिटिव चार्ज की संख्या कितनी होगी ये बता देगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए Al3+ हो गया, ये हो गया 11, ये हो जाएगा ये ले लो 13 और ये ले लो 27। अब इससे देखिए प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, प्रोटॉन हो गया कितना, एटॉमिक नंबर 13। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, देखो अगर ये न्यूट्रल रहता तो ये कितना होता, 13। पॉजिटिव चार्ज कितना है, 3, यानी इसने 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी कितनी, 10, और न्यूट्रॉन हो जाएगा कितना, 27 माइनस 13, ये हो जाएगा 14। तो इस तरह से हम लोग केटायन के केस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे। देखो हमने पहले भी कहा था कि हम कभी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या को रिप्रेजेंट नहीं करते, जैसे मान लो हमने ये इंडिकेट किया तो देखो ये संख्या हो गई किसकी, प्रोटॉन की, ये होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन की संख्या में हम कभी भी ये इंडिकेट नहीं करते और इसके सहायता से इलेक्ट्रॉन की संख्या हम ज्ञात करेंगे। अब देखो इन केस ऑफ एनायन मान लो कोई एलिमेंट क्या है, बाय एटॉमिक नंबर हो गया कितना, 9, एटॉमिक मास हो गया कितना, 19, या पहले एटॉमिक नंबर ही लिख। अब अगर 9 है तो प्रोटॉन की संख्या भी ये हो गई 9, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हो गई 9। अब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो प्रोटॉन की संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 9 का 9 ही रहेगा, एटॉमिक नंबर कोई परिवर्तित नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी कितनी, 10। अब 9 पॉजिटिव 9 नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, एक चार्ज आ जाएगा नेगेटिव,
ये क्या करेगा, ये बनाएगा हमारा फॉर्म्स एनायन और इसमें चार्ज होगा निगेटिव, और दूसरा जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही इस पर निगेटिव चार्ज होगा। तो ये भी कह सकते हो कि नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज ये बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम, यानी एटम के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन का गेन किया जाए। और यहां पर देख लीजिए ये हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन लेस देन इसके हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो ये बनाएगा क्या एनायन और चार्ज हो जाएगा क्या निगेटिव। और इसी तरह से एनायन के केस में एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज और एनायन जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा किसके बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो ये हो जाएंगे इन केस ऑफ एनायन, ये बराबर हो जाएगा क्या आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बराबर हो जाएंगे एटॉमिक नंबर, इसमें जोड़ दो क्या, इसमें जोड़ दो नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज ऑन एनायन, यानी एनायन पर जो निगेटिव चार्ज है इसको जोड़ दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब यही मान लो, अब हम एक इसी का एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लो ये हो गया हमारा बाई 9 19, ये हो गया माइनस। अब ये कहता है कि इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताओ। देखो कोई सिंबल के बाई तरफ जो संख्या नीचे की ओर लिखते थे एटॉमिक नंबर, ये बताता है प्रोटॉन को, तो ये प्रोटॉन की संख्या हो गई 9। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अगर न्यूट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन होता कितना, ये होता कितना 9। निगेटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, तो कितना निगेटिव चार्ज है 1। एटॉमिक नंबर में से चार्ज की संख्या जो होती है 1। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई कितनी 10, और न्यूट्रॉन हो जाएगा आपका 19 माइनस 9, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी कितनी 10। और इस तरह से हम लोग एटम आयन इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या कर सकते हैं, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए ऐसा ये नहीं है कि ये कोई साधारण टॉपिक है, इसका डिफिनेशन करो या कैलकुलेशन करो ये काफी आसान होता है, लेकिन हम इसी चीज को अलग अलग रूप में बोलकर या अलग अलग कंडीशन अप्लाई करके हम इसको क्या कर सकते हैं, इस सवाल को कठिन भी कर सकते हैं। अब हम लोग इस एटॉमिक नंबर और मास नंबर पर कुछ सवाल देखते हैं कि किस तरह से किसी भी एटम या आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ज्ञात करेंगे। इसमें हमने कुछ देखा कि एटम में किस तरह से कैलकुलेट करते थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, केटायन में देखो कैलकुलेट किए, एनायन में कैलकुलेट किए। अब पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी चीज को देखो किस तरह से कॉम्प्लिकेट किया जाता है, एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ, क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए स्पेसिस आर इक्वल टू 18 16 16 18 16 16 रेस्पेक्टिवली असाइन द प्रॉपर सिंबल ऑफ स्पेसिस, असाइन द प्रॉपर सिंबल ऑफ स्पेसिस। देखिए स्पेसिस का सिंबल ये था कि बीच में हम क्या लिखते हैं एटॉमिक नंबर, सॉरी सिंबल ऑफ एटम, लेफ्ट साइड बाई और नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर और ऊपर की तरफ
एटॉमिक मास। क्वेश्चन ये कहता है कि कोई स्पेसिफिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है 16 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 16 है। ठीक, आपको इसका प्रॉपर सिंबल बताना है स्पेसिफिक का, यानी सीधा कहो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे तभी हम इसका सिंबल बता सकते हैं। अब देखिए यहां क्या हो गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये स्पेसिस जो होगा ये हमारा एटम नहीं होगा बल्कि ये स्पेसिस क्या होंगे, ये आयन होंगे। ठीक, दूसरा हमने याद कीजिए ये कहा था कि अगर प्रोटॉन की संख्या अधिक है इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन केटायन होता था, और अगर प्रोटॉन की संख्या क्या है कम है इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तो क्या होता था एनायन होता था। देखो प्रोटॉन की संख्या क्या हो गया 16 और ये हो गया कितना, ये हो जाएगा आपका 18, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा ये एनायन होगा, और जितना अंतर होता है ये जो डिफरेंस होता है ये किस चीज को इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा कि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। अब देखिए डिफरेंस कितना है 18 - 16 ये हो गया कितना 2, इसका मतलब जो भी एनायन है इस पर क्या होगा नेगेटिव चार्ज कितना होगा 2 होगा। अब देखो प्रोटॉन की संख्या कितनी थी, कितनी है 16, तो प्रोटॉन किस एटॉमिक नंबर हो जाएगा क्या इसका 16, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये होगा 16 + 16 ये हो जाएगा 32 हो जाएगा क्या इसका मास नंबर। अब देखो एटॉमिक नंबर 16 होता है तो ये एलिमेंट होता है क्या सल्फर, बाई तरफ नीचे लिखेंगे क्या एटॉमिक नंबर, बाई तरफ ऊपर लिखेंगे मास नंबर। अब ये हमारा क्या था एनायन था जिस पर 2 नेगेटिव चार्ज था, और ये हो गया इसका क्या होगा प्रॉपर सिंबल। अब देखिए एक और क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन से ही लेकर देखते हैं, ये है एक सिंबल है Br 35 79 and Br 79, ये क्या होते हैं ये इस तरह से लिखते हैं तो ये हो जाएगा क्या एक्सेप्टेबल, और अगर हम इस तरह से लिखते हैं Br 79 35 and Br, ये होगा 35, ये कहता है ये नॉन एक्सेप्टेबल, ये जो होंगे ये एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, इसका कारण क्या होता है। देखो हमने ये कहा था कि कोई भी एलिमेंट लिखते हैं तो जैसे मान लो ये हो गया एक्स, यहां लिखते हैं एटॉमिक नंबर, यहां लिखते हैं एटॉमिक मास। देखिए ब्रोमीन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 35, एटॉमिक मास होता है क्या 79, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा ये एक्सेप्टेबल हो गया सीधा, ये होगा एक्सेप्टेबल। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सिर्फ एटॉमिक मास दे रहा है, एटॉमिक नंबर जो होते हैं ये क्या होंगे ऑलवेज फिक्स होते हैं, अगर ब्रोमीन है तो हमेशा इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा ये 35 होगा, तो ये कह सकते हो कि एटॉमिक नंबर ये कह सकते हो कि इट इज ऑलवेज फिक्स्ड, ये हमेशा जो होगा ये फिक्स्ड होगा, इसलिए ये कहते हो सो एक्सेप्टेबल, ये जो होंगे ये एक्सेप्टेबल होंगे। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसको अगर लागू करोगे तो बाईं तरफ लिखा जाता है क्या एटॉमिक, नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर एटॉमिक मास, ये इंडिकेट करेगा कि ब्रोमीन का एटॉमिक मास क्या हो रहा है ये 70 35 होगा, और एटॉमिक नंबर क्या होगा ये बताएगा कि
इसका होना है 79। और एटॉमिक मास ये होगा कितना 35। इसलिए ये क्या होगा नॉट एक्सेप्टेबल, ये जो होंगे ये एक्सेप्टेबल नहीं होंगे क्योंकि ये चीज सही नहीं है। अब यदि ये सिंबल क्यों नहीं एक्सेप्टेबल हो, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 35 सही है, लेकिन ये इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि ये कह सकते हो एटॉमिक मास इज नॉट फिक्स्ड। एटॉमिक मास जो होंगे ये फिक्स नहीं होते हैं। इन आइसोटोप्स इट इज डिफरेंट, ये आइसोटोप्स में क्या होंगे ये डिफरेंट होंगे। तो अब मान लो अगर ब्रोमीन एटॉमिक नंबर तो 35 हो, अगर मान लीजिए इसका एटॉमिक नंबर 80 भी होता है 79 भी होता है, उस समय इसको एटॉमिक मास देना आवश्यक होगा, इसलिए हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो ये कंडीशन या ये क्वेश्चन होंगे, इसके क्या होगा कन्वेंशन या मान्यता से कि किसको हम एक्सेप्टेबल करते हैं और किसको एक्सेप्टेबल नहीं करते हैं। अब इसको पहले रूम डाउन कर लो। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको कुछ और कॉम्प्लिकेट करते हैं और भी इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, मान लीजिए एक क्वेश्चन है एन आयन विथ मास नंबर फिफ्टी सिक्स। कोई एटॉमिक कोई स्पेसिज है या आयन है जिसका एटॉमिक मास है कितना 56। कॉन्टेन्स थ्री यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये तीन यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेगा और एक कंडीशन दे रहा है एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन एसाइन द सिंबल ऑफ आयन। यह कहता है कि कोई आयन है जिसका एटॉमिक मास कितना है 56 है, जिस आयन में तीन यूनिट क्या है पॉजिटिव चार्ज है, साथ साथ यह भी कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से 30.4% अधिक है। तो आप इसको असाइन कीजिए सिंबल को, या तो क्या है ये पता रहे कौन सा एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है और चार्ज कितना है। तो सबसे पहले मान लेते हो, ये मान लेते हैं लेट सिंबल ऑफ आयन क्या होगा, मान लो ये एम मान लेते हैं, तीन पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया 3+ हो गया। अब इसमें मान लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयन ये मान लीजिए ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया कितना x, ठीक है। अब ये कहता है क्या कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है कि 30.4% मोर देन इलेक्ट्रॉन, तो आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई x हो गया। अब ये है कि x का 30.4% क्या होगा अधिक होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 30.4x/100। फिर अब ये इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ये 1.304x हो जाएगा, 1.304x हो जाएगा। अब देखिए आयन में था क्या x इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम ये कितना होगा x हो गया किसका आयन का। ये कहेंगे कि कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन
तीन यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, तो न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी कितनी, x प्लस 3। जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगी, यही देखो कितना हो गया x प्लस 3। अब देखिए ये होता है हमारा क्या, ये क्या होते हैं एटॉमिक मास या मास नंबर, ये बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए मास नंबर दिया है 56, प्रोटॉन की संख्या होगी x प्लस 3, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 1.304x। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये होगा 56 माइनस 3, 3 को इधर ले आ, ये हो जाएगा 2.304x, और इसलिए x बराबर होगा 53 अपॉन 2.304। ये सॉल्व करोगे ये होगा कितना 23। इसका मतलब क्या हो गया, x ये हमने किस चीज को निकाला, ये निकाला x, x क्या था, ये था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केटायन, तो ये हो जाएगा इसमें प्रोटॉन की संख्या, देखो प्रोटॉन की संख्या क्या था x प्लस 3, ये हो गया आपका 23 प्लस 3, ये हो गया कितना 26। अब देखिए एटॉमिक नंबर 26 पर जो एलिमेंट है वो होता है क्या, हाइड्रोजन, तीन पॉजिटिव है, ये हो गया 26, एटॉमिक मास हो गया क्या 56, ये डिजाइन हो गया इस एलिमेंट का। अब इसके बाद कुछ छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, जैसे मान लो एक टर्म होता है जिसको नाम देते हो आइसोटोप्स, आइसोटोप्स में कहते हैं क्या, ये होता है एटॉमिक नंबर ये क्या होंगे सेम, और मास नंबर ये क्या होगा, ये होता है डिफरेंट। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हो, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स H1, 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 H1,
मास क्या है अलग अलग, इसका एटॉमिक मास एक, इसका टू, दो और इसका तीन। अब सबसे प्रोटॉन की संख्या निकालो, वन वन वन। न्यूट्रल स्पेसिस है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हो गई बराबर। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटाओ, ये हो गया जीरो वन टू। तो ये देखते हैं कि आइसोटोप्स में क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। तो ये कह सकते हो कि इन आइसोटोप्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर डिफरेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होंगे ये क्या होंगे, डिफरेंट होते हैं। अब अगला क्या होगा कि अब एटॉमिक मास समान होगा, एटॉमिक नंबर भिन्न भिन्न होंगे, तो इसको कहेंगे क्या, आइसोबार। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस तरह से आइसोबार में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और
न्यूट्रॉन तीनों क्या होंगे, ये भिन्न भिन्न होंगे। तो ये कह सकते हो कि इन केस ऑफ आइसोबार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर डिफरेंट। नेक्स्ट होता है जिसको नाम देते हैं आइसो न्यूट्रॉनिक। आइसो का मतलब होता है सेम, न्यूट्रॉन का मतलब होगा न्यूट्रॉन, यानी वैसे स्पेसिस जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, ये सेम हो। तो इसको कहते हो एटम ऑफ डिफरेंट, या ये कहो एटम ऑफ डिफरेंट एटम हैविंग सेम न्यूट्रॉन, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो वो आइसो न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं C614N715, ये होगा O6O818। अब देखिए प्रोटॉन की संख्या देखो, ये हो गया 6 7 8, चूंकि न्यूट्रल स्पेसिस है तो जो प्रोटॉन की संख्या होगी वही जो होगा ये इलेक्ट्रॉन की भी संख्या हो। न्यूट्रॉन देखो 14 में से 6 घटा दो, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 14 में से 6 घटा दो, ये हो जाएगा आपका कितना 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, तो ये न्यूट्रॉन की संख्या समान है, तो ये कहते हैं क्या आइसो न्यूट्रॉनिक स्पेसिस। और एक होगा जिसको नाम दोगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कहते हैं किसको, वैसे स्पेसिस जिसमें क्या होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी समान होगी, तो उसको नाम देंगे क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कहेंगे। अब कैसे मान लो, ये हो गया मान लीजिए नियम एटॉमिक नंबर हो गया कितना 10, तो देखो एटॉमिक नंबर 10 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी 10 होगी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करना है समान करना है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस बनाने का एक तरीका ये होता है कि हम इससे एक अधिक एटॉमिक नंबर का एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया सोडियम, एटॉमिक नंबर हो गया कितना 11, अब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो चार्ज हो गया क्या पॉजिटिव, तो 11-1 इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई 10, ये दोनों क्या हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। दूसरा तरीका ये होता है कि यदि होता कि एक कम एटॉमिक नंबर का एलिमेंट ले लें, जैसे मान लो हमने ले लिया फ्लोरीन, प्रोटॉन की संख्या क्या है 9, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी क्या होगी 9, इसमें एक जोड़ दी तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 9+1, ये भी हो जाएगा क्या 10। तो ये सारे जो होते हैं अगर हम इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो इसमें भी 10 होगा, इसमें भी 10 होगा और इसमें भी 10 होगा। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस बनाने का एक तरीका ये होता है कि अगर न्यूट्रल का आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस बनाए तो एक एटॉमिक नंबर अधिक का एलिमेंट ले लो, एक पॉजिटिव चार्ज दे दो, अगर दो एटॉमिक नंबर अधिक का एलिमेंट लोगे दो पॉजिटिव चार्ज दे दोगे। और अगर मान लो यही कर सकते हो कि एक कम एटॉमिक नंबर का एलिमेंट ले लो और उसमें एक निगेटिव चार्ज दे दो, या दो कम एटॉमिक नंबर का एलिमेंट ले लो उसमें दो निगेटिव चार्ज दे दो। जैसे मान लो न्यूट्रॉन का हम बना रहे हैं तो अब दो का ले लो अधिक ले लो, ये क्या होगा मैग्नीशियम 12, दो इलेक्ट्रॉन निकाल, ये भी हो गया कितना 10। मान लो ऑक्सीजन ले लो 8, इसमें दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दो 8 हो 2 10। इस तरह से हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस बना सकते हैं। अब एक आइसोटोप्स पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब एक आइसोटोप्स पर देखिए किस तरह से न्यूमेरिकल सेट किया जाता है। आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर क्या होता है सेम होता है, एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं, प्रत्येक एलिमेंट
नेचर में इसका परसेंटेज मात्रा भी फिक्स होता है। तो क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हायर आइसोटोप्स ऑफ नियॉन, विच हैज एटॉमिक मास, विच हैज एटॉमिक मास 20.2। द आइसोटोप्स है, मास नंबर 20 and 22। ये कहता है कि नियॉन का कोई आइसोटोप्स है, एक का मास नंबर है 20, दूसरे का मास नंबर है 22 और एवरेज एटॉमिक मास है 20.2। अब आपको ये बताना है कि हायर आइसोटोप्स यानी एटॉमिक मास जिसका 22 है, इसका परसेंटेज क्या होगा। तो देखो, ये मान लेते हैं कि ये हो जाएगा कि परसेंटेज ऑफ, या ये कहो कि हायर एटॉमिक मास, ये हो गया इसका परसेंटेज, मान लो ये हो जाएगा एक्स। तो परसेंट में टोटल क्या होता है 100, तो लोअर एटॉमिक मास का जो आइसोटोप होगा ये होगा क्या 100 - x। अब देखिए एटॉमिक मास कितने के बराबर होगा, एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास कितने के बराबर होगा। अब देखो हाइयर था कितना x परसेंट, ये इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 20 प्लस, लोअर कितना था 100 - x, सॉरी हाइयर का होगा कितना 22 into 20। इसका एवरेज निकालते हैं, संख्या टोटल कितना हो गया 100। एटॉमिक मास एवरेज आया था 20.2, ये होगा 22x प्लस 2000 माइनस 20x बाई 100। इसको तिरछा तिरछी गुणा कर दो तो ये होगा 20 बराबर 22x प्लस 2000 माइनस 20x, ये हो जाएगा 20 माइनस 2000 बराबर हो जाएगा 22x माइनस 20x। घटा दो के लिए क्या हो गया 20 इक्वल टू 2x और इसलिए x बराबर हो जाएगा कितना 10। तो जो हायर आइसोटोप्स होंगे वो क्या होंगे, ये 10% होंगे और लोअर क्या होंगे, ये 90% होंगे। यानी नियॉन के आइसोटोप्स 10% ऐसे होंगे जिसका एटॉमिक मास होगा कितना 22 और 90% ऐसे होंगे जिनका एटॉमिक मास हो जाएगा क्या 20। तो ये होगा आपका एटॉमिक नंबर और मास नंबर के संबंध में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।